स्वागत है आप सभी का एक और नई ट्रैवल सीरीज में। मैं हूं तुषार। मैं हूं कनिष्का। आप देख रहे हैं ट्रैवल विद कनिष। तो गाइस टाइम हुआ है अभी 4:50 और हमारा जो डिपार्चर है वो है 6:35 दिल्ली टू श्रीनगर। और मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी लाइन लगी पड़ी है। तो फटाफट चलते हैं अंदर, करते हैं बैगेज चेक इन और फॉर्मेलिटीज लाइक सिक्योरिटी चेक, और फिर आपसे आगे की बातें करते हैं। फाइनली बैगेज चेक इन और सिक्योरिटी चेक हो चुका है कंप्लीट, और बस हमारी जो बोर्डिंग है थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है। जहाँ भी हम लोग जाते हैं वहाँ पे एडवेंचर ज़रूर होते हैं, जिस भी ट्रिप में जाते हैं। मालदीव ट्रिप में गए वहाँ पे एडवेंचर हुआ। बाय द वे अगर आपने मालदीव ट्रैवल चीज़ हमारे नहीं देखी है तो नीचे मैंने प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। और अभी श्रीनगर ट्रिप से पहले ही, स्टार्ट होने से पहले ही काफ़ी अच्छा एडवेंचर हुआ हमारे साथ में। तो एडवेंचर क्या हुआ है कनिष्का? एडवेंचर ये हुआ है गाइस कि हमारे आज के ट्रैवल से जस्ट 2 दिन पहले श्रीनगर में इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी है। अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 2 फीट का स्नोफॉल था वहाँ पर, एंड जितने भी स्पॉट्स हमने सोचे हैं कि हम कवर करेंगे वो ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके थे अभी आज के न्यूज़ के हिसाब से। तो जो भी हमारा प्लान बना था बेसिकली कि हम यहाँ यहाँ पे कवर करेंगे, ये स्पॉट्स कवर करेंगे, बहुत ज़्यादा डाइसी प्लान है, कुछ पता नहीं है क्या कवर करने वाले हैं हम लोग। तो वहीं जाके समझ में आएगा कि कैसे, क्या वेदर है, क्या टेम्परेचर है, कितनी स्नोफॉल है वहाँ पे, और क्या स्पॉट्स खुले हैं अभी। तो ये सारा कुछ वहीं जाके समझ में आएगा। विजिबिलिटी का काफ़ी इशू है श्रीनगर एयरपोर्ट पे अभी, जो पिछले 2-3 दिन में काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है वहाँ पे। तो एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, अगर आप कहीं जा रहे हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे फ़्लाइट कैंसिलेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आप वहाँ पे फ़्लाइट रडार एक ऐप आती है, फ़्लाइट रडार 24, तो आप उस ऐप में जाइए, उस फ्लाइट का स्टेटस, पास्ट स्टेटस चेक कीजिए कि कैंसिल हुई है या नहीं हुई है, और फिर आप जाके अपना प्लान चेंज कर सकते हैं या फिर उसी में कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए अब फाइनली बोर्डिंग टाइम हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, जाते हैं हमारी बोर्डिंग गेट्स की तरफ और मिलते हैं आपसे श्रीनगर एयरपोर्ट। The fueling of the aircraft is in process. We request you not to fasten your seatbelt. Use of electronic devices and smoking is strictly prohibited. Thank you. एक घंटे 10 मिनट की फ्लाइट एंड वी आर हेयर इन द हेवन, वी आर इन कश्मीर। सो हमारी फ़्लाइट सुबह 8 बजे तक पहुंच गई थी और एयरपोर्ट से निकलकर हमारे होटल तक आने में हमें 9 बज गए थे। चेक इन कर लिया सब 9 बजे, 9:30 बजे हमें अर्ली चेक इन मिल गया था बिकॉज रूम्स की अवेलेबिलिटी थी यहाँ पे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने रेस्ट किया है 2.5 घंटे एंड नाउ वी आर ऑल सेट टू एक्सप्लोर श्रीनगर। और आउटफिट्स आप देख सकते हैं, आउटफिट दिखाता हूँ मैं आपको। Here's our outfit. Completely we are packed in our outfits. Yes, friends, हमने अपने बॉडी में अगर मैं बात करूँ तो हमने इस टाइम पर 3 से 4 layers पहनी हुई है, अपर बॉडी या लोअर बॉडी दोनों में। और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप लेयरिंग्स करें क्योंकि बाहर इतनी ठंड है, और एक अगर आप सोचेंगे कि आप एक मोटी जैकेट कैरी कर लें तो दैट्स नॉट सफिशियंट फॉर यू। एटलीस्ट आपको लेयरिंग्स पर जाना पड़ेगा, 2-4 layerings डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर कि बाहर क्या चल रहा है, ओनली देन यू कैन सेव कर योरसेल्फ, जो बहुत ज़रूरी है। एंड अभी जो टेम्परेचर है 3 से 4 degrees का टेम्परेचर है यहाँ पे, और दिल्ली के 20 degrees के टेम्परेचर से यहाँ आने में सीरियसली ठंड लगी सुबह हमें, और सर भी दर्द हुआ। एंड नाउ वी आर ओके, हमने एक पावर नैप ले लिया है। रूम का हाल दिखाऊँ तो बड़ा मैसी सा हो रहा है, तो इसका टूर मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। यहाँ का देखिए बाहर का व्यू है हमारा, क्वाइट ब्यूटीफुल व्यू, फ्रेश स्नोफॉल हुआ है अभी 2 दिन पहले।
सो गाइस कंप्लीटली पैक्ड फॉर श्रीनगर ट्रिप, आराम से 2-3 लेयरिंग्स पहन लिया है और इतना टेम्परेचर अभी हमने अपने रूम में क्योंकि सेंट्रलाइज हीटिंग ऑन करी थी तो इतनी गर्मी हो रही है हमें 3 लेयरिंग्स में कि लिटरली वी आर स्वेटिंग। कनुष को तो बिल्कुल पसीने ऐसा टपक रहे हैं। तो हम कंप्लीटली पैक हो चुके हैं, अब जा रहे हैं बाहर फ्रेश स्नो को देखने और ये देखने कि इस लोकल श्रीनगर में हमें क्या एक्साइटिंग मिल सकता है इन द हेवन ऑफ इंडिया कश्मीर। Look at this beautiful view, man. Seriously, मतलब सुबह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्नो थी, अभी इन्होंने थोड़ी सी क्लियर किया आई गेस। मौसम भी काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, खुला खुला मौसम है। एंड नाउ हम जा रहे हैं लाल चौक। ये हमारा होटल, होटल गोल्डन ट्यूलिप। होटल रूम में हम दोनों को जितना पसीना आ रहा था उतना ही यहाँ पे आके ठंड लग रही है। अच्छी खासी धूप खिली हुई है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है। कि आप देख सकते हैं कि मेरी टोपी, मेरा स्कार्फ सब कुछ बैग से बाहर निकल चुका है क्योंकि मुझे पहले सबसे ज़्यादा सर में ठंड लगती है। आई एम सेफ गार्डिंग माई हेड। और हम यहाँ से जा रहे हैं अब पूरे रास्ते, पूरे मार्केट के बीच में से आपको मार्केट का अगर हम व्यू दिखाएं तो बिल्कुल लोकल मार्केट है ये, जैसा कि आप दिल्ली में अपने लाजपत नगर सरोजनी मार्केट देखते हैं इस तरह की मार्केट ही है यहाँ पर भी। तो अभी हम एग्जैक्टली पहुँच गए हैं लाल चौक के घंटाघर एरिया में और इस एरिया के बारे में अगर मैं आपको बात बताऊँ तो यहाँ पर इस साल 26 जनवरी को 30 ईयर्स बाद तिरंगा फहराया गया था। इसके पहले 1992 में मुरली मनोहर जोशी जी ने यहाँ पर तिरंगा फहराया था और इस साल की जो फ्लैग होस्टिंग थी वो कम्प्लीटली यहाँ की अथॉरिटीज़ के साथ एक आर्मी बाउंड प्रोटेक्शन में की गई थी और उस फ्लैग होस्टिंग की वीडियो आप देख सकते हैं ये। तो फ्रेंड्स लाल चौक की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के बाद में मन में एक पेट्रियाटिज़म की जो फीलिंग आ रही है ना वो मैं आपको बता नहीं सकती और अभी इसी पेट्रियाटिज्म की फीलिंग को हम आपको शाम को एक बार और दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट व्यू। और अभी मुझे यहाँ पर एक कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिख रही है तो पास जाके देखते हैं कि ये क्या है। हाँ बेटा ये क्या है? गाजर का हलवा, गाजर का गजरेला, कश्मीरी केसर हलवा। ओके गाजर का हलवा है। कैसे दे रहे आप गाजर का? 50 का एक प्लेट। 50 का एक प्लेट। वुड यू लाइक टू ट्राई कनुष गाजर का हलवा? एक प्लेट दे रही। हाँ देगा बेटा, करो आज। गाइस ये बिल्कुल लोकल कश्मीरी गाजर का हलवा है जिसमें कश्मीरी केसर डाल रहे हैं ये और काफी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन करके दिया है यहाँ पे। और दादाजी भी बहुत क्यूट से हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, गाजर का हलवा दे रहे हैं हमें और देखिए कितनी प्यारी गार्निश कर रहे हैं वो उस पे। इन्होंने इसमें क्या क्या डाला है आपने इसकी गार्निश में? ऊपर इसमें डालता गाजर का हलवा था, ये घी डालता, खोया डालता, मिल्क में डालता है, दूध का डालता है, ड्राई फ्रूट डालता है, बहुत अच्छा चीज़ है, केसर डालते हैं, हनी डालते हैं, ये हनी है इसमें, ये देख हनी, बहुत अच्छा चीज़ है कश्मीरी, ये जब आज खाएगा देखिएगा कैसा है। बिस्मिल्लाह गाइस ये रहा कश्मीरी फ्लेवर का गाजर का हलवा। और एक राज की बात बताऊं कि मुझे पर्सनली गाजर का हलवा बहुत पसंद है, लाइक आई कांट रेजिस्ट विद गाजर का हलवा। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। कोई ड्राई फ्रूट दूध का है, मावा डालते हैं इसमें, मिल्क में डालते हैं इसमें, बहुत अच्छा चीज़ है, केसर डालते हैं इसमें, केसर यहाँ का लोकल केसर हनी डालते हैं। अच्छा ये सब हनी भी आप खुद ही बनाते हैं? खुद बनाते हैं, हमने बचपन से यहाँ बैठते हैं, मेरा दादा देता है, बाप देते हैं, इधर का जो गर्मी का मौसम है मटका वाला कुछ बेचता है इधर।
ओके ओके, तो भाई ये काइंड ऑफ एंसेस्ट्रल ट्रेडिशनल चीज़ हमें मिली है कि यहाँ पे अभी ये गाजर का हलवा दे रहे हैं, और गर्मियों में यहाँ पे मटका कुल्फी भी सेल आउट करते हैं, और जैसा ये बता रहे हैं कि इनके दादाजी भी इसी तरह का बिजनेस कर रहे थे, तो अब तो ये गाजर का हलवा टेस्ट करना बनता है। और मुझे इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही, तो मैं रेजिस्ट नहीं कर पा रही हूँ। लेट्स गिव इट अ ट्राई। बहुत शानदार, बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर है और बहुत अच्छी चीज़ है। आपको इसमें खुशबू आएगी हर एक चीज़ की, जितने इंग्रेडिएंट उन्हें बताए कि उसमें डाले हुए हैं। मैम गणेश को भी ट्राई कराते हैं, और अगर आप यहाँ विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, तो दिस कश्मीरी गाजर का हलवा। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो लाल चौक के सामने, बिल्कुल सामने यहाँ पे मोबाइल की कई सारी शॉप्स हैं, और ये यहीं पे बैठते हैं, तो यहाँ पे आप आइए। और जैसा कि कनिष्का ने बताया, काफ़ी टेस्टी है, तो मैं भी इसको ट्राई करता हूँ, देन आपको आगे चलते हैं। और इसी घंटाघर से जब आप सामने जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको बिल्कुल लोकल कश्मीरी मार्केट, जहाँ पर आप, अगर मैं अपेरल्स की बात करूँ तो आप खरीद सकते हैं कश्मीरी शॉल, जिसमें पश्मीना काफ़ी फेमस है। कारपेट्स वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिसमें बहुत ही महीन कश्मीरी काम किया हुआ होता है। अगर हम डिशेज देखें तो यहाँ पर आपको कश्मीरी वाजवान, रोगन जोश, दम आलू, गोश्त तबा, नादरू यखनी और कश्मीरी कहवा जो सबसे ज़्यादा फेमस है, वो सारी चीज़ें आपको इस लाल चौक की लोकल मार्केट में मिल जाएंगी। इसके अलावा ये वहाँ के लोगों का एक डेली मार्केट भी है, तो डेली नीड से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर अवेलेबल है। होटल्स वगैरह भी अगर आप देखें तो यहाँ पर सारे होटल्स हैं, जहाँ पर आप अच्छे से फूड एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं एक ऐसी गली में जहाँ पर कम्प्लीटली फूड आइटम्स अवेलेबल हैं, और कश्मीर का जो लोकल क्यूजिन है, अगर आप उसे ट्राई करना चाहते हैं तो ये गली है वो। अगर मैं आपको बताऊँ ये कहाँ है, तो लाल चौक पे एक गुरुद्वारा है, और उस गुरुद्वारे के साइड से हम अंदर आए हैं इस गली के लिए। और आप जो यहाँ ऊपर देख रहे हैं, ये एक्चुअली बारिश नहीं है, ये जो बर्फ़ ऊपर गिरी थी, अब धूप आने की वजह से बर्फ़ पिघल रही है और वो पिघलकर बारिश के फॉर्म में गिर रही है। लाल चौक से ही वॉकिंग डिस्टेंस पर यहाँ पर एक टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड है, जहाँ लोकल श्रीनगर से गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमार्ग, दूधपत्री एक्सेट्रा काफ़ी सारी लोकेशंस पर टैक्सीज जाती हैं, तो यहाँ से आप प्राइवेट या शेयर कैब बेसिस पर अपने लिए टैक्सी बुक कर सकते हैं और घूम सकते हैं। नाउ इट्स अ टाइम फॉर सम शॉपिंग। अभी हम पहुँचे हैं अपने लिए ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए। आई रिकमेंड यू ऑल कि आप कश्मीर अगर आ रहे हैं तो कश्मीरी केसर ज़रूर ट्राई करें। इसके अलावा क्रैनबेरी, ब्लूबेरी, चेरीज है, क्रैनबेरी, प्लम है, ये सारी चीज़ें ट्राई करना ना भूलें, क्योंकि ये सब आपको कश्मीर के अलावा कहीं भी और नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही ड्राइड एप्पल्स, ड्राइड कीवीज, ड्राइड मैंगो, देर आर लॉट ऑफ वैराइटीज जो यहाँ पर ट्राई करना तो ज़रूर बनता है। जैसा कि हमने आपसे दिन में कहा था कि शाम को हम आपको दिखाएंगे देशभक्ति की एक अनोखी झलक, एक शानदार झलक, ये रही आपके सामने।